हमने 1 लाख ट्रैक्टर गए, दिल्ली में 3.5 लाख ट्रैक्टर गए। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का है, 40 लाख ट्रैक्टर पूरे हिंदुस्तान भर से। ये कह रहे हैं हमने कठिन रेखा लगा दिए, हमारे पास में कम्बल है, दो रिलाई गेरी में कठिन रेखा भारत से हमारे पास में इलाज है। ये आखिरी बादशाह है, रुके रोका आखिरी बादशाह, इसको दिल्ली से भगाना पड़ेगा। इनको झंडे और देश से मोहब्बत नहीं है, इनको कोई लगाव नहीं है देश के झंडे से, देश से। ये व्यापारी है, व्यापारी और भिखमंगे को देश और क्षेत्र से प्यार नहीं होता, उसको जहां ठीक मिलता है वो वहीं चला जाएगा भिखमंगा भी। ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बने। अपने खेत की मिट्टी अपने हाथ पर दे देना और उसी का देखना आपको फार्म, आपकी जमीन उसी में ही दिखाई देगी। दिल्ली की तरफ को अपने ट्रैक्टर भरवा के डीजल के खड़े कर लो, कभी भी गोल होगी और अपना जो यहाँ देना चाहते हैं हर क्रांति भी होगी देश में। जो मैंने बहुत देर से जो ध्यान करा के जो सर है वो सफेद, जो बाल है वे कम है और काले बाल ज्यादा है, तो इसका मतलब यूथ है। आएगा देश में यूथ क्रांति आएगी, आएगी जिस तरह से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और जहां जहां पर भी हम जा रहे हैं जो युवा निकल कर आया है, यही तो क्रांति आएगा। हम बहुत जगह जाते थे तो यूथ नहीं दिखता था, वो खेती साठ क्या था, अपनी जमीन साठ क्या था। अब बेरोजगारी फैली, आपको रोजगार इसी जमीन से तलाश करना होगा। मतलब ये कौन सी व्यवस्था है कि हम अपना हर हमारे गांव में बड़े ही हमारे गांव में ट्रैक्टर हम खुद चलावे, बीज हमारे घर में रहता है, अपने आप हम पानी दे, हम घाटे में बाहर की कंपनी आएगी वो प्रॉफिट कमाएगी, वो मास्टर जी कहाँ है उसकी तलाश हमको भी है। दिल्ली में बैठे ना बंद से, उस मास्टर जी की तलाश हमको भी है जो एग्रीकल्चर का जो मास्टर है वो कह रहे कि आमदनी होगी आप ठेके पर दे दो जमीन। ये देश में नया व्यापार शुरू होगा पूरी दुनिया में। उन्होंने गाड़ियों का व्यापार कर लिया, ट्रैक्टरों का कर लिया, कारों का कर लिया, मोबाइल कर लिया, आईटी सेक्टर का कर लिया, कपड़ों का कर लिया, फैशन का कर लिया। उन्होंने कहा भी फिर सर क्या करें, कह लगे जी एक व्यापार है ना भूख, ऐसा व्यापार पकड़ लिया कि आदमी उनके सर्वे हुए एक साल में 700 बार लोगों को भूख लगती है एक आदमी को। और जो सोने का इस्तेमाल होता है जो सबसे महंगी चीज है वो 17 बार इस्तेमाल होती है। जो माहिराएं हैं, जो हमारी माता बहन है, वो तीज त्योहार पे कोई फंक्शन पे 17 बार इस्तेमाल करती है और भूख 700 बार लगती है। तो उन्होंने कहा कि सोना तो करो बंद, भूख पे व्यापार करो, अनाज को करो तिजोरी में बंद, रोटी ताले के अंदर बंद करो, अनाज ताले के अंदर बंद करो। जो गरीब आदमी है हमारा, जो मजदूर है, जो रोजी रोटी कमाने के लिए शहर जाता है, उस पर हमला है, उसकी रोटी बाजार में जा रही है। और जब भी रोटी बाजार की वस्तु बन जाएगी तो भूखा आदमी क्रांति करेगा। अभी नहीं, अभी तो कीमत, आपने अगर फ्लाइट में आप गए होंगे तो टिकट सुबह के टाइम कुछ रहता है, शाम के टाइम कुछ रहता है। अगर ये पता चल गया कि हवाई जहाज में 2 टिकट हैं 2 सीट है और लेने वाले 5 है तो कीमत बढ़ा देते हैं। यही हाल भूख पे रोटी का हाल होगा। आपको तैयार रहना है पूरा। हमने 1 लाख ट्रैक्टर गए, दिल्ली में 3.5 लाख ट्रैक्टर गए। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का है, 40 लाख ट्रैक्टर पूरे हिंदुस्तान भर से। और ये होंगे, आप देखे होंगे, खबरें पढ़ी होंगी पूरी दुनिया में, और किसान आंदोलन ट्रैक्टर से हो रहे हैं, वो यहां से सीख ले रहे हैं आपके यहां से। ट्रैक्टर ही किसान का टैंक है। आप कच्चे पक्के में कुछ चढ़ाओ, आप बैरियर तोड़ो, दीवार तोड़ो, तारबंदी करो, इतना बढ़िया लगे, बड़े बड़े
बम्पर ले रहे फटाखे से तोड़ता है जी। और हल ये कहते हैं कि हल कैसे निकलेगा, हम तो बंजर भूमि में बीज डालते हैं उस साल निकालते हैं। ये तो दिल्ली की सरकार है, आप कील बो, आप कटिले तार बो, आप डबल तार उसके ऊपर लगाओ, वो इलाज है हमारे पास में जो डबल तार लगा रखे हैं। ये कह रहे हैं हमने कटिले तार लगा दिए, हमारे पास में कम्बल है दो रजाई गेरी, वे कटिले तार फाड़ लेते, हमारे पास में इलाज है, सब इलाज है इस किसान के पास में। कटिले तार के ऊपर दो रजाई घेर दो, तार नीचे आदमी ऊपर। अत्याचार देखो, शिक्षकों को बदनाम करने की कोशिश करी गई। जब कोरोना काल था तो उनके आगे पुलिस के दिल्ली पुलिस पूरी प्रेम निकाल ली, उनके आगे डेढ़ लाख और दो दो लाख लोगों का रोज उनका खाना दिया। और अत्याचार 28 तारीख की रात को हमने कहा कि जो जवान है ये तो हमारे ही परिवार से है, आप लाठियां भी चलाओगे हम इनको खाना भी देंगे। जब उनका खाने का इंतजाम नहीं हुआ ना, एफआईआर लिखी जा रही है, वही रात को एक तरफ एफआईआर लिखी जा रही और एक तरफ कह रहे कि 800 लोगों का 1500 लोगों का खाना दे दो। रात को 18 तारीख की, उसको 28 तारीख की रात, मतलब एक तरफ एफआईआर लिखी जा रही और एक तरफ कह रही पुलिस का इंतजाम नहीं हुआ, वका हमारे वालक हैं इनको खाना भी मिलेगा, एक तरफ एफआईआर लिखो और एक तरफ हम इनको भोजन देंगे। इनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, हमने 10 साल पहले प्रपोजल बना के दिए सरकार को ये क्वार्टर इनका कौन सा होगा, कितने साइज का होगा, अब 700-800 फीट का क्वार्टर दोगे आप इनको? इनका कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता उसमें, इनके माँ बाप उसमें नहीं रह सकते, आप ड्यूटी लोगे 24 घंटे की और क्वार्टर दोगे आप इनको 700 स्क्वायर फीट का? हमने दिए इनको प्रस्ताव बना के आज से 15 साल पहले ये पुलिस की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, उनका क्वार्टर का साइज 1500 से नीचे इसका क्वार्टर का साइज नहीं होना चाहिए, उससे आप ड्यूटी किसी भी कोने में आप ले लो 800 किलोमीटर ड्यूटी डोज से, लेकिन उसके बच्चों का जिम्मेदारी तो आप लोगे, उसके माँ बाप वहां पे रह जाए उसकी जिम्मेदारी तो आप लोगे, जो हमारे फोर्सेस के लोग जो बॉर्डर पर पड़े हुए हैं उनको आप पेंशन नहीं दोगे, कर्मचारियों को पेंशन नहीं दोगे, एमपी और एमएलए को पेंशन होगी? अरे प्रधानमंत्री एक बार कहते तो देखो, जो एमपी एमएलए अपनी पेंशन छोड़ना चाहता है आपकी ये कितनी बात मानते हैं? गैस के सिलेंडर को हमारे आम जनता ने छोड़ दिए सब्सिडी, आप एक बार कहते तो देख लो, ये आखिरी बादशाह है रुके रोका, आखिरी बादशाह, इसको दिल्ली से भगाना पड़ेगा। ये बादशाह है जो रोड क्यों पे कीमत लगाता हो, इनको झंडे और देश से मोहब्बत नहीं है, इनको कोई लगाव नहीं है देश के झंडे से, देश से। ये व्यापारी है, व्यापारी और भिखमंगे को देश और क्षेत्र से प्यार नहीं होता, उसको जहां ठीक मिलता है वो वहीं चला जाएगा भिखमंगा भी, और व्यापारी भी जिस चीज में उसको फायदा होगा वो काम करेगा। ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बने। हमने 2002 के आसपास में आपकी विधानसभा में बाजरे की जलाई करी थी, बाजरे की राजस्थान में, जब उस टाइम का रेट था 200-250 रुपए क्विंटल का रेट था, 300 रुपए का। ये लड़ाइयां लंबी लड़ी जाएगी, आपको भी बहुत टाइम हो गया, आप तैयारी रखो, दिल्ली की अपनी कटाई कर लो और दिल्ली की तरफ को भी आप भी निगाह रख लो, आप ट्रैक्टर से लड़ाई होगी, ट्रैक्टर से दिल्ली की तरफ को अपना सामान बांधा, रोटी ली और अपने गांव की मिट्टी जरूर लेकर आना, क्योंकि जब आप दिल्ली में लड़ाई के लिए जाओगे तो गांव आपके याद जरूर आएगा, आपका फार्म हाउस याद आएगा, अपने खेत की मिट्टी अपने हाथ में दे देना और उसी का देखना आपको फार्म, आपकी जमीन उसी में ही दिखाई देगी। दिल्ली की तरफ को अपने ट्रैक्टर भरवा के डीजल के खड़े कर लो, कभी भी गोल होगी और अपना जो यहाँ देना चाहते हैं ना, हल क्रांति भी होगी देश में, हल क्रांति में क्या क्या औजार इस्तेमाल होते हैं उनका नाम तो लेते नहीं, वो सिंगे भी इस्तेमाल होते हैं जो हिरण के सिंह में हो, उसका नाम तो कुछ हो रहे हैं, वे कहते हैं फिर पत्रकार कह
अंग्रेजी आपने कुछ कह दिया, सारी चीजों का इस्तेमाल होगा, सारी चीजों का हल क्रांति होगी देश में, हल क्रांति उनको इस्तेमाल करना, उनको लेकर भी आना। ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी देर तक यहाँ पर बैठे रहे। जय हिंद, जय। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।